आजकल मैं सारा प्लेलिस्ट फाइल मैं एक जगह कर लिया हूँ, और ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का मोटा मोटी बोल सकते हैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसको इस बार रख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है? मतलब स्पेशली मैं एक आदमी इस आद मतलब एक जो मेरे यहाँ पर रिसेप्शन पर रहते हैं उनको इस काम के लिए लगाया हूँ कि सारा प्लेलिस्ट फाइल को अलग से व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाया हूँ वीडियो लेक्चर का, उसमें वो कर रहे हैं कल से। तो जितना भी मुझे लगता है कि सारा चैप्टर अभी तक पढ़ाया गया है या इवन नहीं भी पढ़ाया गया है उस सब का शेयर कर दूंगा, ठीक है? ताकि इमरजेंसी में काम चला सकें। और केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर तो पता था ना, उसको प्लीज़ कवर कर लीजिए एज सुन एज। कवर कर रहे हैं, एक ही दिन में कवर नहीं होगा, धीरे धीरे करके कवर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो कल हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे डिविएशन, राइट? निगेटिव डिविएशन। तो निगेटिव डिविएशन में क्या मिला था, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे H2O अब प्लस एसीटी के या फॉर्मिक एसिड। होता क्या है कि वाटर का दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन रहेगा एच बॉन्डिंग का, इसके दो मॉलिक्यूल के बीच में जो रहेगा, तो इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल के बीच में एच बॉन्डिंग कुछ खास ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई वाटर और इसके बीच में आफ्टर मिक्सिंग ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली वो पास आएगा। तो उस डिविएशन का नाम क्या बोला गया है? निगेटिव डिविएशन। तो एक एग्जाम्पल तो आप, हेलो, एक और एग्जांपल लिख लीजिए। H2O प्लस एसीटिक एसिड, एक और एग्जांपल लिख सकते हैं H2O प्लस नाइट्रिक एसिड, और ये क्या है सर? एक क्लोरोफॉर्म है, राइट? और ये है एसीटोन, ठीक है? तो क्लोरोफॉर्म पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थ्री क्लोरीन दिस हाइड्रोजन बिकम्स हाईली एसिडिक इन नेचर। तो इसका भी अट्रैक्शन इसके साथ जो खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में है उससे ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में हो जाता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव डिविएशन, ठीक है स्टूडेंट? ये लिख लीजिए। अब नेक्स्ट,
व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे प्रेशर को हम लोग फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, राइट? और सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं, दैट्स वाई को ज़्यादा वेपर क्रिएट करे, और जब उसका वेपर का प्रेशर बाहर के दुनिया के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड में टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ कि समटाइम्स वो सॉल्यूट का प्योर लिक्विड रह सकता है, सॉल्वेंट का प्योर रह सकता है और सॉल्यूशन का भी रह सकता है, राइट? इसमें तीनों बात एक साथ हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिख लीजिए, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहला पॉइंट ये हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा वो वेपर प्रेशर कम क्रिएट करेगा या ज़्यादा क्रिएट करेगा? ज़्यादा क्रिएट करेगा। और जो वेपर ज़्यादा क्रिएट करेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर इजली जल्दी से अचीव कर लेगा। दिस इज द रीजन कि आप बोलते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। वजह क्या रहता होगा? ऑल डिपेंड्स ऑन वोलेटाइल कैरेक्टर, राइट? इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटाइल कैरेक्टर। इसका मतलब जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम एंड वाइस वर्सा, लिख लीजिए। लेकिन वेपर प्रेशर होना कितना है बॉइलिंग पॉइंट के लिए? वेपर प्रेशर किसके बराबर आना पड़ेगा? फॉर बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर बिकम्स, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसमें तो आज सुबह ही इसका बढ़िया रिचार्ज भी किया हूँ। आजकल जियो फाइबर भी पे भी लगता है ज़्यादा लोड हो गया है। एनीवे, ओके स्टूडेंट।
यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आते हैं ग्राफ में। कल का सिचुएशन में क्या बोल सकते हैं, पी ए नॉन आइडियल, निगेटिव डिविएशन। अब पी सब लोग समझते रहिएगा, और पी एस आइडियल ऑल्सो ग्रेटर देन पी एस नॉन आइडियल, मतलब डायरेक्टली मैं निगेटिव डिविएशन लिखता हूँ। निगेटिव डिविएशन मतलब समझ में आ जाएगा ना आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और मेरे ग्राफ में P नॉट A ग्रेटर देन P नॉट B है, ठीक है। तो यह है, और यहाँ पे मैं x से इक्वल टू जीरो मानता हूँ और x भी इक्वल टू वन मानता हूँ, और यहाँ पे x से इक्वल टू वन और x भी इक्वल टू जीरो। तो ये है P नॉट A, और ये क्या है P नॉट B। बोलिए अब मेरा जो पी ए नॉन आइडियल का रहेगा वो इस एक किसका लाइन है सर, ये तो लाइन था पी ए आइडियल का, राइट, स्ट्रेट लाइन। और ये भी किसका लाइन है, पी वी आइडियल का स्ट्रेट लाइन। बट पी ए नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन का इस लाइन से ऊपर ग्राफ जाएगा या नीचे, तो सर प्रेशर कम है ना तो नीचे जाएगा, राइट। तो ए किसका ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ पी ए नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन, और ए किसका ग्राफ रहेगा, पी वी नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन। यहां तक आइए फर्स्ट। तो ये तो बात तो समझ में आ गया कि ग्राफ निगेटिव डिविजन का स्ट्रेट लाइन से नीचे क्यों लिए हैं, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा था या कम था, कम था। बट डैम श्योर यहाँ पे आकर ये जुड़ेगा ही जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा सर, यहाँ पे आने का मतलब तो सॉल्यूशन है ही नहीं, प्योर ए हो गया, राइट। यहाँ पे आने का मतलब सॉल्यूशन है ही नहीं, प्योर बी हो गया, इज इट करेक्ट। ए था पी नॉट बी और ए है पी नॉट ए। ए किसका ग्राफ था स्टूडेंट, सर ए था पी एस आइडियल का, राइट। तो एक्चुअल में पी एस नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविजन का इससे नीचे रहेगा, इससे ऊपर रहेगा, कहाँ रहना चाहिए सर, इससे नीचे रहेगा, राइट। तो सुरैया ए ग्राफ देखिए तो सही है, नहीं ये ग्राफ सही नहीं है। ये ग्राफ सही है, समझे वजह। तो एक्चुअल में जहां पे डिविएशन होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डिविएशन में एक खास कंपोजिशन होता है, और उस खास कंपोजिशन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो वैल्यू रहेगा वो एक्चुअल में इन दोनों का इंडिविजुअल जो वेपर प्रेशर है प्योर ए और प्योर बी का, उसमें से जिसका कम है उससे भी कम हो जाता है। बोलिए तो मैंने क्या बोला सर, इन के नॉन आइडियल विथ निगेटिव डिविएशन में देर इज ए पार्टिकुलर कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लोअर देन या स्मॉलर देन बोल सकते हैं, स्मॉलर विथ रेस्पेक्ट टू पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। ये बात बोलने में दोनों बात आ गया, इसका मतलब है कि पार्टिकुलर कंपोजिशन में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहेगा वो पी नॉट ए और पी नॉट बी दोनों में से जो कम है उससे भी कम हो जाएगा। इसलिए अगर एक ग्राफ लेके जाते तो पी नॉट ए और पी नॉट बी में किसका कम है,
पी नॉट बी का कम है, बट इस ग्राफ को अगर फॉलो करते बस इससे नीचे रखते तो क्या इससे पी नॉट बी से कम हो पाता? नहीं, इस वजह से ग्राफ सही नहीं था, करेक्ट। और जिस पॉइंट पे सबसे कम वेपर प्रेशर रहेगा उस कंपोजिशन को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, करेक्ट। कौन सा कंपोजिशन? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सर सिर्फ नीचे करेंगे तो काम चल जाएगा, वो गलत कॉन्सेप्ट था। सिर्फ नीचे करने से काम नहीं चलेगा, वो नीचे करते हुए पी नॉट बी से भी नीचे लाना पड़ेगा, राइट। अब पी नॉट बी से नीचे लाएंगे तो थोड़ा तो इस लाइन से नीचे आना ही पड़ेगा, तब जाकर ऊपर आएंगे। तो अब याद रहेगा इस बात को, इसका मतलब एक कौन यहाँ पे जो मिलेगा मुझे एक्स ए का वैल्यू और एक्स बी का वैल्यू, एक खास वैल्यू रहेगा, इस खास वैल्यू को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो देखिए, पहले के ज़माना में एक स्कूटर आता था जिसका नाम था एलएमएल वेस्पा, नाम सुने हैं? या अभी तो खैर वो गाड़ी नहीं है, या राजदूत, करेक्ट। तो उसमें हम लोग पेट्रोल पंप पे जब जाते थे तो उसमें पेट्रोल के साथ साथ थोड़ा मोबिल भी मिलाते थे। अभी भी कुछ गाड़ी में लाइक ऑटो वगैरह में साथ में मोबिल डालना पड़ता है। तो देखते होंगे कि उन लोग को जो पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि क्यों डाल रहे हैं, बट फ्यूल में डाल रहे हैं। तो एक काम तो यह है कि सर इफ़िशेंसी बढ़ाएगा, बट अगर ऐसा हो जाए कि पेट्रोल और मोबिल को मिलाए, अब पेट्रोल पहले ही चला गया, मोबिल टंकी में बचा रह गया, तब तो ख़राब बात हो जाएगा। इसका मतलब कंपनी के तरफ से इंस्ट्रक्शन है भाई कि इतना लीटर में इतना ऑन्स या इतना एमएल ही मोबिल मिलाना है, दैट्स वाई वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन सके। तो सर ऐसा क्यों? तो एजियोट्रॉपिक का एक खास क्वालिटी होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का जस्ट लाइक इनन्सियोमेरिक पेयर के जैसा होता है क्वालिटी। मतलब इनन्सियोमेरिक पेयर को बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस आप सेपरेट कर सकते हैं, बस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और किसी गिवन सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन कॉन्सेंट्रेशन के लिए, किसी गिवन लिक्विड के लिए एक खास फ्रैक्स कंपोजिशन, वह कंपोजिशन एक ही कंपोजिशन रहेगा। ए और बी अगर आप सॉल्यूशन मिला रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हर पॉइंट पे हर फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए वो रहेगा, दिस इज अ पार्ट, इसके लिए एक ही वैल्यू मिलेगा ना, इस वर्टेक्स के लिए दो वैल्यू मिलेगा या एक वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब फॉर गिवन ए एंड बी देर ये पार्टिकुलर कंपोजिशन, वो खास कंपोजिशन उस लिक्विड के लिए रहेगा, जिस कंपोजिशन पे निगेटिव डिविएशन में प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स मिनिमम एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज लोअर दैन लोएस्ट ऑफ ए एंड बी, लोअर दैन लोएस्ट ऑफ ए एंड बी, एंड दैट खास कंपोजिशन इज नोन एज एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, करेक्ट। समझ में आ गया? तो अब समझ ये बात समझ में आया कि ए ग्राफ क्यों खराब थी, क्यों वैलिड नहीं था, रेप क्यों वैलिड हो गया? क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मैं ड्रॉ किया हूँ खुद के पास से थोड़े ड्रॉ किए हैं, ये डैम से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहा होगा, राइट। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का व्हाट द क्वालिटी ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का क्या क्वालिटी है? तो सर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिस मिक्सचर पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्यूशन को सॉल्यूट और सॉल्वेंट में ड्यू टू डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट नहीं कर सकते हैं, करेक्ट ना। तो एक पॉइंट लिखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में, फिर इस पे वापस आऊंगा। जितना कुछ पढ़ा दिए हूँ उसका, अच्छा जो भी टॉपिक ऑर्गेनिक का आप लोग पढ़ा दिए हैं उसका क्वेश्चन बैंक फॉलो किए हैं? नहीं, असाइनमेंट डिस्कशन तो मैं करूँगा ही ऑर्गेनिक का, बट एक बार फॉलो तो करके देखिए, उससे पता चलेगा कि हम लोग सही से पढ़े या नहीं पढ़े। और 90% क्या बन रहा है क्वेश्चन? मेरा कहना यह है कि 90% क्वेश्चन अगर क्वेश्चन बैंक का बन जाता है मतलब हम लोग सही से काम किए हैं, राइट। 10% बनता है, 90% नहीं बनता है मतलब सही से काम नहीं किए हैं।
तो ऑर्गेनिक में मैं आपको एक कॉन्फिडेंस देता हूँ, चाहे कोई भी जो टॉपिक मैं कवर किया हूँ उसका 90% क्वेश्चन बन जाना चाहिए पढ़ाने के बाद। बाकी 10% मेरे लिए छोड़िए, 100% कुछ भी नहीं होता है, बट एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक तो बनाइए, पढ़ा दिए तो क्रॉस चेक करने के लिए कि पढ़ा तो दिए सर, अब एक बार ऑर्गेनिक लगा के देखते हैं क्वेश्चन बैंक से, तो उसको बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक में इतना एग्जाम्पल ही ले लिया हूँ, वो काफ़ी है, मच मोर है। असाइनमेंट डिस्कशन तो हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपके एग्जाम में बैठने से पहले सारा असाइनमेंट ऑर्गेनिक का मैं जो प्रॉमिस किया हूँ डिस्कस कर दूंगा। केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कस नहीं करूँगा, केमिकल बॉन्डिंग का खुद से बनाइए, बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का खुद से फिर से करने का रिक्वायरमेंट है क्या? बोर मॉडल करने का रिक्वायरमेंट है? आफ्टर क्लियरिंग द बोर मॉडल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे, रेडियो एक्टिविटी, तो जो काम खुद से कर सकते हैं वो काम मेरे ऊपर प्रेशर मत बनाइए जो पढ़ा दिया हूँ, राइट? हाँ, नहीं जहाँ पे क्वेश्चन बनेगा तो वो एक आध दो क्वेश्चन अलग बात है जिसमें बिल्कुल अनयूजुअल टाइप का लग रहा है, तो एक लाइन लिखिए जो टॉपिक मिक्सचर के लिए। वेरी लार्ज डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अच्छा एक मिनट, आपसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए नॉन आइडियल सोल्यूशन में मैक्सिमम डिविएशन किस कंपोजिशन पे मिलेगा? मैक्सिमम डिविएशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पे मिलेगा, राइट? इस लाइन से, स्ट्रेट लाइन से सबसे ज्यादा डिस्टेंस वही बनाया ना, ए पॉइंट। चलिए लिखिए, ए वेरी लार्ज डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ए वेरी लार्ज डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, अब ब्रैकेट में लिखिए मैक्सिमम डिविएशन विथ रेस्पेक्ट टू आइडियल बिहेवियर, मैक्सिमम डिविएशन विथ रेस्पेक्ट टू आइडियल बिहेवियर, ब्रैकेट क्लोज, लीड्स टू ए स्पेशल क्लास ऑफ मिक्सचर, लीड्स टू ए स्पेशल क्लास ऑफ मिक्सचर नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, लीड्स टू ए स्पेशल क्लास ऑफ मिक्सचर नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एक और पॉइंट बनाइए, द कंपोजिशन क्रॉस्पॉन्डिंग टू एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, द कंपोजिशन क्रॉस्पॉन्डिंग टू एजियोट्रॉपिक मिक्सचर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट सेपरेटेड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट सेपरेटेड corresponding to composition of azeotropic mixture, मतलब azeotropic mixture जिस composition पे बनेगा, पूरा लाइन बोली तो मैं पीछे बीच में भूल गया क्या, बीच में आप रोक दिए, क्या लाइन था? हाँ, solute and solvent cannot separated due to difference of boiling point, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट सेपरेटेड ड्यू टू डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द रीजन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज द रीजन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एक और पॉइंट बनाइए, लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल ओवर, लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल ओवर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल ओवर विदाउट चेंजेज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स और एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इट मीन्स
ए बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर, इट मीन्स एट एट बॉय इट मीन्स ए बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर एट द एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, एट द एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन प्रोड्यूसेस ए वेपर ऑफ एग्जैक्टली द सेम कंपोजिशन, प्रोड्यूसेस ए वेपर ऑफ एग्जैक्टली द सेम कंपोजिशन कॉमा एंड द लिक्विड डज नॉट चेंज इट्स कंपोजिशन एज इट इवोपरेट्स. करेक्ट स्टूडेंट, लिक्विड डज नॉट चेंज इट्स कंपोजिशन एज इट एवोपरेट्स. ठीक है ना. चलिए, इसका मतलब है कि सपोज कीजिए कि मैंने एक कंपोजिशन बनाया लिक्विड का, ठीक है, ए और बी का. इसका वेपराइजेशन भी हुआ. और अगर ए मेरा कंपोजिशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर था, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसी गिवन लिक्विड ए एंड बी का तो एक खास कंपोजिशन रहेगा. और अगर यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 0.55 था और एक्स बी का लिक्विड में 0.45, तो वेपर में इसका कंपोजिशन क्या रहेगा? सर सेम रहेगा, अभी तो बोला गया राइट. यही तो क्वालिटी है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का. इट करेक्ट. इसका मतलब अलग अलग जाएगा या साथ साथ जाएगा सेम कंपोजिशन बनाकर? सर सेम कंपोजिशन बनाकर जाएगा राइट. क्लियर? अब हाँ ना बोलते ही नहीं है, प्रॉब्लम ये है. इस ऑब्जेक्टिव ये आपका ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ गया आपको? अगर ऐसा एग्जाम्पल आ जाएगा नीट में कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, इसका लिक्विड में कंपोजिशन है, तो वेपर में क्या रहेगा? तो डिफरेंट रहेगा या सेम ही रहेगा? सेम रहेगा. इसको हटाएं. कितने टाइप का डिविएशन है? वेरी गुड. तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कितना टाइप का होगा? दो टाइप का ही होगा राइट. तो और मैक्सिमम डिविएशन कहाँ पे होता है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जब एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन पे राइट. वो ग्राफ से ही पता चल रहा है. इसका मतलब सर आज के बाद एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो टाइप का, एक कहाँ मिलेगा? पॉजिटिव डिविएशन में राइट. और एक कहाँ मिलेगा? निगेटिव डिविएशन में. और जो निगेटिव डिविएशन मिलता है उसका नाम रहता है, बोलिए आप लोग ट्वेल्थ पास कर गए, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. यहाँ देखिए साजिद, मैंने इसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ट्रॉप क्यों बोला? सर वेपर प्रेशर मिनिमम मतलब वोलेटाइल कैरेक्टर सबसे कम राइट उस कंपोजिशन का, तो वोलेटाइल कैरेक्टर डिक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, अभी तो बताए थे. तो जिस कंपोजिशन पे सॉल्यूशन का वोलेटाइल कैरेक्टर सबसे कम रहेगा उस कंपोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा सॉल्यूशन का राइट. तो सबसे मिनिमम वेपर प्रेशर है निगेटिव डिविएशन में एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन पे, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट भी सॉल्यूशन का किस कंपोजिशन के लिए रहेगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट भी रहेगा एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन के लिए. इट करेक्ट. दिस इज द वजह निगेटिव डिविएशन में के निगेटिव डिविएशन में जहाँ पे मैक्सिमम डिविएशन होता है वो है एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, तो वहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा सॉल्यूशन का करेक्ट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. मैं ही नहीं बोल, यहाँ देखिए अब कुछ स्टूडेंट बोले ओके सर ने साथ ये सारा बात
यहाँ से यहाँ तक सबको एजियोट्रॉप बोल दे। नहीं भाई, इस पूरे ग्राफ में सिर्फ एक है एजियोट्रॉपिक, राइट, एजियोट्रॉपिक पॉइंट, करेक्ट ना। और जहाँ पे पॉजिटिव डिविएशन रहेगा, बाद में इसके बाद वही पढ़ाऊंगा, तो पॉजिटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर मैक्सिमम रहता है, दैट्स वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो इस कंपोजिशन को क्या बोलेंगे, तो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम आपसे ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाएगा नीट में, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किस डिविएशन मिलता है, पॉजिटिव में या निगेटिव में, तो क्या आंसर रहेगा, निगेटिव में। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पॉजिटिव डिविएशन में, यहां तक लिख लीजिए। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को लेकर किसी के माइंड में कोई डाउट, सारे बच्चे गुवाहाटी, सिर्फ गुवाहाटी का ज्वाइन किए हुए हैं या बाहर से भी कुछ ज्वाइन किए हुए हैं आउट ऑफ गुवाहाटी, कौन कौन, इरीना, अच्छा मास आप गुवाहाटी में ही हो, आउट ऑफ गुवाहाटी वाले से अलग आप अपने आप को काउंट कर रहे हैं, मैं तो आईआईटी में था तो सोचता गुवाहाटी में ही हूँ। चलिए 5 साल के बाद वो सब सब गुवाहाटी बन जाएगा। ओके, मैं तो सोचता हूँ कि कुछ अगर मेरे पास पैसा जमा होगा तो मैं नॉर्थ गुवाहाटी की तरफ ही अपना सोचूंगा आसियाना, बड़ा सुकून का लाइफ है। इसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर ए और प्योर बी में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, तो सर जिसका वोलेटाइल करेक्टर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, राइट, बट जब बॉइलिंग पॉइंट का बात कीजिएगा तो प्रेशर किसके बराबर होना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, राइट। इसलिए जब टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट का अगर हम लोग बात करते रहेंगे तो उस टाइम प्रेशर का एक लाइन खींच के रखेंगे, वो लाइन कौन सा रहेगा, 180 atm, राइट। तो क्या अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करें तो क्या बी का बॉइलिंग पॉइंट ए से ऊपर कर दें, तो अब यहां देखिए अगर वेपर प्रेशर का ग्राफ ऐसे जा रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ ऐसे आएगा, समझ गए, और यहाँ पे आके मिलेगा, समझे स्टूडेंट, जस्ट उल्टा, याद कर लीजिए आज के बाद। ऐसा हो गया कि सर बॉइलिंग पॉइंट के लिए इसको नीचे आइए, इसको ऊपर ले आइए, इस ग्राफ को ऐसे घुमा दीजिए, कुछ ऐसा ही हो रहा है ना, इसको ऊपर इसको नीचे और ग्राफ को थोड़ा सा जस्ट उल्टा, उल्टा क्यों, लेकिन अगर यहाँ पे कंपोजिशन ए वाला पॉइंट यहाँ पे है तो बॉइलिंग पॉइंट में भी ए वाला पॉइंट यहाँ पे ही रहेगा एग्जैक्टली, राइट। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट रहेगा, सर वही एजियोट्रॉपिक वाला पॉइंट, करेक्ट ना, दिस इज द वजह इसको बोला गया था मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे रहेगा सॉल्यूशन का, किस कंपोजिशन के लिए, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन के लिए। तो ऐसा ग्राफ आएगा ऑब्जेक्टिव में तो बन जाएगा, निगेटिव डिविएशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ अगर ड्रॉ करना रहेगा तो ऐसे ड्रॉ कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ से ऐसे नहीं, एक खास कंपोजिशन के लिए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा उससे भी ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। जैसे यहाँ पर कैसे बोले थे वेपर प्रेशर के लिए कि इन दोनों का वेपर प्रेशर जो रहेगा उससे भी कम वेपर प्रेशर रहेगा, राइट। तो वैसे ही इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, किस कंपोजिशन पे, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन पे, इज इट करेक्ट। चलिए तो मुझे लगता है ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया है,
अब पॉजिटिव डिविएशन, अच्छा नेगेटिव डिविएशन में आपका सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा? सर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, राइट। पॉजिटिव डिविएशन में जो ए और ए के बीच का जो अट्रैक्शन रहता है वो ए और बी के बीच का अट्रैक्शन से ज़्यादा रहता है, ये सबसे बड़ा की पॉइंट है, यहाँ से ही हम लोग आंसर दे पाते हैं, ठीक है। और बी के बीच में भी जो अट्रैक्शन रहेगा वो किससे ज़्यादा रहेगा? बी और बी के बीच के अट्रैक्शन से ज़्यादा रहेगा, इज इट क्लियर? ठीक है स्टूडेंट, ओ सॉरी ए और बी। तो बोलिए बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग, तो आफ्टर मिक्सिंग मॉलिक्यूल्स पास आया या दूर चला गया? सर अट्रैक्शन कम होगा तो दूर चला जाएगा, राइट। पहले जब तक मिक्स नहीं किए हैं तब तक अट्रैक्शन ज़्यादा है, मिक्स करने के बाद अट्रैक्शन ए और बी का कम हो गया, इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट और सॉल्यूट विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पास रहा या थोड़ा दूर हो गया? दूर हो गया, बिकॉज अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, तो अट्रैक्शन डिक्रीजेज, तो रूल है ना, अट्रैक्शन डिक्रीजेज मतलब इनर्जी इंक्रीजेज, तो सॉल्यूशन का इनर्जी ज़्यादा हो गया, तो सॉल्यूशन का इनर्जी अगर ज़्यादा हो गया इसका मतलब वो इनर्जी ज़्यादा हो गया तो एनर्जी लेगा कहाँ से? लिक्विड से ही तो लेगा, तो लिक्विड विल गेट हीटेड अप या लिक्विड विल गेट हीटेड डाउन। बहुत सारा ऐसा सॉल्यूशन है जैसे पानी में अगर नमक डाल दीजिए तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा थोड़ा सॉल्यूशन पानी ठंडा हो जाएगा, या ग्लूकोज डाल दीजिए थोड़ा ठंडा हो जाएगा, राइट। इसका मतलब है कि प्रोसेस इंडोथर्मिक रहा होगा और कहीं से अगर एनर्जी नहीं मिला तो लिक्विड का ही वाटर का ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, और लिक्विड ठंडा हो रहा है इसका मतलब क्या है? उसका एनर्जी डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, ये तो सिंपल सा लॉजिक है ना, दैट्स वाई। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होना चाहिए, निगेटिव या पॉजिटिव? सर यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, प्रोसेस इंडोथर्मिक है, राइट। और डेल्टा भी मिक्सिंग, मिक्स करने के बाद वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, मास तो वही रहा बट वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, राइट, क्योंकि थोड़ा दूर हो गया है, पॉजिटिव। डेल्टा एस टोटल, सर स्पॉन्टेनियस है तो पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। और डेल्टा जी निगेटिव रहेगा, इतना सारा ऑब्जेक्टिव बन गया, ये कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, राइट। अब आपको बताना है आइडियल सॉल्यूशन में ए और बी के बीच का अट्रैक्शन पॉजिटिव डिविएशन में कहाँ ज़्यादा रहेगा? सर यहाँ ज़्यादा रहेगा, राइट। वजह सर इसमें तो ए और ए के बराबर और बी के बराबर था, राइट। तो अगर ए वेपर में, ए का वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स अगर वेपर में जाना चाहेगा तो कहाँ पे उसको लेग पुलिंग ज़्यादा होगा, अपोज ज़्यादा होगा? सर आइडियल में ज़्यादा होगा इस केस में, राइट। अब पॉजिटिव डिविएशन में कम होगा, इसका मतलब ए और बी का सोल्यूशन जो बना हुआ है आइडियल और पॉजिटिव डिविएशन में कहाँ पर वोलेटाइल कैरेक्टर सोल्यूशन का ज़्यादा हो गया? सर पॉजिटिव डिविजन में वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, किसी को डाउट है पूछना है मुझसे, इस सॉल्यूशन का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का वोलेटाइल कैरेक्टर कम रहेगा, इज इट क्लियर? हेमाश्री क्लियर है? जो भी आपका ऑर्गेनिक का वीडियो या क्लास छूट गया था वो सब देख रहे हैं, सारा भेज दिया हूँ, एक पॉलीमर का भेजना बाकी रह गया है, बट रैंडम मत देखिएगा, सीक्वेंस में देखिएगा, नहीं
क्योंकि बहुत सारा रिएक्शन अगर डायरेक्ट कोई बीच से देखना शुरू करेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए सीक्वेंस में देखिए। और सारा वीडियो देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो नहीं किए हैं, जिसका नोट्स नहीं बनाए, उसी को देखिए, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। जहाँ पर डाउट होता है, पढ़ रहे हैं कहीं पर डाउट हुआ, तो उस लेक्चर को सिर्फ देखिएगा, और जो मैं कवर करने के लिए बोलूँगा उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, अब बताइए पी ए आइडियल और पी ए पॉजिटिव डिविएशन में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा? सर इसका ज़्यादा रहेगा, राइट? और पी बी आइडियल लेस देन पी बी पॉजिटिव, ऐड कर सकते हैं ना, तो पी ए प्लस पी बी आइडियल लेस देन पी ए प्लस पी बी विथ पॉजिटिव डिविएशन। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दोनों को अगर ऐड कर दिए मतलब हो गया सॉल्यूशन, तो पी एस आइडियल लेस देन पी एस पॉजिटिव डिविएशन। यहाँ तक आइए स्टूडेंट, इसको हटाएं। मैं सोचा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोग को भी, आप लोग को अलग से ही पढ़ा देते हैं, जल्दी से कवर हो जाएगा, कहानी ख़त्म। नहीं चलिए, ए ग्राफ था किसका, ए का, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पी नॉट ए। देखिए पूरे एग्जांपल में मैं ए का प्रेशर ज़्यादा मान के काम कर रहा हूँ, ए बी का है। बोलिए ये स्ट्रेट लाइन तो आइडियल का रहेगा ना, पी ए आइडियल का रहेगा, राइट? बट अब जो मेरा रहेगा यहाँ पे एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू वन, और एक्स बी इक्वल टू वन, और एक्स बी इक्वल टू ज़ीरो, ये किसका ग्राफ रहेगा, पी ए पॉजिटिव डिविएशन, और ये किसका रहेगा, पी बी पॉजिटिव। ऊपर ग्राफ क्यों गया स्ट्रेट लाइन से, पता चल गया अकॉर्डिंग टू जो अभी मैं डिराइव किया। एक ही ग्राफ में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा। एक इसका ग्राफ था सॉल्यूशन का, राइट? तो ए था पी एस आइडियल का स्ट्रेट लाइन, इससे नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा, लेकिन ए सही ग्राफ नहीं रहेगा, राइट? तो सर अभी तो पढ़ाया थे, जो ग्राफ रहेगा उसमें एक मैक्सिमम वेपर प्रेशर एक खास कंपोजिशन के मिलेगा, और मैक्सिमम जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे मैक्स, ये तो ग्राफ डिविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैक्सिमम डिविएशन जहाँ पे होता है उस मैक्सिमम डिविएशन के करस्पॉन्डिंग जो मिक्सचर मिलता है, उसी मिक्सचर का नाम क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, करेक्ट? और ये मैक्सिमम, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते थे कि सर ऐसे कर देते हैं, राइट? मैक्सिमम ही तो करने के लिए बोले हैं, तो ये भी नहीं होगा। जो मैक्सिमम जब वेपर प्रेशर रहता है वो बीच से ए के तरफ रहेगा, जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है उसके तरफ रहेगा, राइट? इसे मिडिल, इधर ना इधर रहेगा ना मिडिल में रहेगा, किसके तरफ रहेगा, ए के तरफ रहेगा। वैसे निगेटिव में कम, जिसके वजह से हो रहा था निगेटिव डिविएशन, जो इसका कम था उससे भी कम होना था, तो वो बी की तरफ था। चलिए तो इस कंपोजिशन के लिए वेपर प्रेशर मैक्सिमम तो नहीं लगता, इस कंपोजिशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम रहेगा,
तो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब दोबारा यहाँ पे सेंटेंस बनाने का रिक्वायरमेंट है कि इन केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन देर इज ए खास कंपोजिशन करस्पॉन्डिंग टू विच मैक्सिमम डिविएशन या मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज मोर देन ग्रेटर ऑफ पी नॉट ए पी नॉट बी। या आप लोग खुद से लिख पाएंगे, लिख लीजिए, लिखवा दें या लिख लीजिएगा, लिखिए, मैं ही लिखवा देता हूँ, उतना देर में आप लोग सोचते रहेंगे। इन केस ऑफ पॉजिटिव डिविएशन देर इज ए पार्टिकुलर कंपोजिशन क्रॉस्पॉन्डिंग टू विच मैक्सिमम डिविएशन मीन्स मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज मोर देन ग्रेटर ऑफ पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, मोर देन ग्रेटर ऑफ पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। बोलिए कैसा ग्राफ रहेगा सर? ऐसा रहना चाहिए, नहीं, जहाँ पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा, और मिनिमम वैल्यू इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम रहेगा, मतलब एक वर्टेक्स बनेगा, राइट, एंड दिस वर्टेक्स इज कॉल्ड व्हाट? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, राइट। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग आपको समझ में आ गया है। पॉजिटिव डिविएशन का कुछ एग्जांपल लिख लीजिए। H2O प्लस CH3OH, तो देखिए इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट भी ऐड हो गया, तो इसके अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन और वाटर का दो मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन, बट जब अल्कोहल और वाटर मिलाइएगा तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन जो रहेगा वो उन दोनों का खुद का अट्रैक्शन से कम रहेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं सर, सबसे बढ़िया एग्जांपल तो पोलर नॉन पोलर का रहेगा, राइट। C2H5OH प्लस हेक्सेन लिख सकते हैं, लेकिन सर वाटर प्लस हेक्सेन करते तो वाटर प्लस हेक्सेन नहीं करेंगे, क्योंकि साथ में कुछ ऐसा एग्जांपल लेना पड़ेगा जो मिसिबल भी हो, राइट। अगर एकदम ऐसा कर दीजिएगा, तूफान खड़ा कर देगा, एक हाईली नॉन पोलर एक हाईली पोलर क्रिएशन वायल को डाल देगा पानी में, तो मिसबल ही नहीं है, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट चलेगा, मिक्स तो होना पड़ेगा। तो अल्कोहल और हेक्सेन मोटा मोटी कुछ एक्सटेंड तक मिक्स होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो ऐसा सोल्यूशन जिसमें पॉजिटिव डिविएशन तो है बट एट द सेम टाइम मिसिबल भी है, करेक्ट। ये आपस में मिसिबल है। तो क्लोरोफॉर्म एंड CCl4 ये हो गया नॉन पोलर, ये इसमें भी तीन क्लोरीन है बट इसमें थोड़ा सा पोलर करेक्टर बचा हुआ है, तो ये दोनों भी आपस में पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। चलिए
अब यहाँ देखिए, अब एक खास बात बता रहा हूँ, घबराइएगा नहीं, ठीक है? एक किसका ग्राफ? ओके, एक ग्राफ है पीएस का। सब लोग सुन पा रहे हैं? और एक मैं क्वेश्चन करवाया था बेंजीन और टॉलिन का, याद है? अब वहाँ पे बताया था कि जिसका वोलेटाइल करेक्टर ज़्यादा ज़्यादा रहता है, उसका वेपर फेज मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, करेक्ट? इसका मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे एक्स ए का वैल्यू था 0.4 और एक्स बी का था 0.6 एंड पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी, करेक्ट? इस ए आपने कंपोजिशन बनाया एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए, सब सुनिएगा, ये आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए कंपोजिशन बनाया और तब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। आपको नहीं लगा जैसे ही एक्सपेरिमेंट इस वैल्यू के लिए आपको एक पार्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, एक कहीं पे यहाँ रहा होगा एक कंपोजिशन, राइट? ध्यान से सुनिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंपोजिशन के लिए क्या यहाँ से यहाँ तक आपको सारा स्ट्रेट लाइन मिलेगा या इसके क्रॉसपॉन्डिंग सर एक वैल्यू मिलेगा पीएस का, बहुत सारा वैल्यू पीएस का मिलेगा या एक वैल्यू मिलेगा? वन मिलेगा तो एक पॉइंट मिलेगा ना, जिसके क्रॉसपॉन्डिंग आप ये वैल्यू बोलिएगा कि दिस इज द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट? इसका मतलब यहां से यहां तक जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए हैं वो किसी एक खास कंपोजिशन के लिए या यहां से यहां के बीच में इनफाइनाइट कंपोजिशन के लिए, और हर कंपोजिशन के लिए आपको एक पॉइंट मिलते चला गया और उसको जोड़ दिया तो स्ट्रेट लाइन हो गया। दिस इज द तरीका ऑफ ड्रॉइंग द ग्राफ, राइट? दिस इज द वे ना ग्राफ ड्रॉ करने का, जैसे हम लोग ग्राफ पैराबोला का ड्रॉ करते हैं बाई वर्सेज एक्स का, बाई इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो क्या ये सिर्फ एक वैल्यू, एक्स के एक वैल्यू के लिए सारा ग्राफ मिला है या एक्स के बहुत सारा वैल्यू के लिए? बहुत सारा वैल्यू ड्रॉ किए होंगे, उसको ऐड कर दिए होंगे, राइट? तो एक्चुअल में जिस टाइम पे आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया उस टाइम पे आपका ये कंपोजिशन था, उसके लिए वैल्यू प्रेशर का ये मिला। बट नहीं था कि इस कंपोजिशन को लेकर स्टार्ट किए और थोड़े देर के बाद एक कंपोजिशन डिस्टर्ब हो गया, क्या ऑल द टाइम वही कंपोजिशन बना रहेगा? सर नहीं, अब रेस हो गया, ए यहाँ से ज़्यादा जाता रहेगा अब बी कम जाएगा, राइट? साथ साथ सेम कंपोजिशन मेंटेन करके जाएगा या कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाएगा? सेम कंपोजिशन रहने का मतलब है कि वो तो आइडियल है ही नहीं, वो तो एजियोट्रॉपिक हो गया, राइट? ये तो क्वालिटी सिर्फ एजियोट्रॉपिक का था और हम लोग बात कर रहे हैं आइडियल का, इज इट करेक्ट? तो किसका कंपोजिशन वेपर फेज में लिक्विड के रेस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाएगा? तो सर ए का ज़्यादा हो जाएगा, करेक्ट? बोलिए भाई, यही तो सिखाए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। इसका मतलब सर जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट शुरू किए तो उसके बाद एक्चुअल में ये मेरा कंपोजिशन था, बट वेपर में इसका कंपोजिशन ए का ज़्यादा हो गया। तो ए का कंपोजिशन अगर ए रेस में आगे निकल गया तो ए का कंपोजिशन वेपर में ज़्यादा हो गया तो डैम से ए का कंपोजिशन लिक्विड में कम हो जाएगा, राइट? तो एक्चुअल में ए किसका कंपोजिशन था जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ उस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन लेकर आपने काम शुरू किया, बट उस सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ, वेपर प्रेशर मतलब जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, राइट? मेंटेन तो इसको लेकर मेंटेन होगा ना इक्विलिब्रियम, ये आपने बनाया सॉल्यूशन, तो क्या ऐसे रहेगा या वेपर प्रेशर का डिफरेंशियल में ही था इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, राइट? तो जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ वो इक्विलिब्रियम किसके बीच में रहेगा?
वेपर और लिक्विड के बीच में, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सॉल्यूशन का कंपोजिशन यही रहेगा या डिस्टर्ब हो जाएगा, कुछ और कंपोजिशन रहेगा, कुछ और कंपोजिशन रहेगा। ये बात मैं एक मैं बहुत बढ़िया अपने टाइम पे बुक पढ़ा था, आप लोग पढ़ना मत शुरू कर दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री शर्मा इनपुरी का, OMSE में चलती है, तो बड़ा बढ़िया से उसमें समझा कर ऐसे समझाया हुआ था। इसको जो मैं बात बोल रहा हूँ उसका नाम है लीवर रूल। कौन सा रूल सुन लीजिए, लिखिएगा नहीं तो। एक्चुअल में ये वेपर फेज का ग्राफ है, किसका वेपर फेज, अरे किसका लिक्विड फेज, बट किस कहाँ पे हम लोग लिए थे ये, बट अब इस कंपोजिशन और इस कंपोजिशन के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। वजह अब वेपर फेज में ये किसका मैं बोला वेपर फेज का कंपोजिशन ए हो जाएगा, एक्स डैश ए प्लस एक्स डैश बी ए रहेगा सर। वजह तो जिसका वोलेटाइल करेक्टर ज़्यादा है वो जो सोल्यूशन आपने लिया था उसके रिस्पेक्ट में वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, राइट। और जिसका वोलेटाइल करेक्टर कम है उसका लिक्विड में जो आपने लिया था उसके रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा। तो देखिए एक्स बी यहाँ से मैंने इधर गया, ये यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, अरे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इसको मैं वेपर फेज का ग्राफ माना हूँ, बट ए और ए ये लिक्विड का है या वेपर का है, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा, इक्विलिब्रियम इसके साथ नहीं रहेगा, करेक्ट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लिक्विड और वेपर के बीच में जब कंपेयर करेंगे तो जो आपने सोल्यूशन बनाया था उसके रेस्पेक्ट में वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ा हुआ नजर आएगा और बी का कम नजर आएगा। तो इसका उल्टा क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा सर, लिक्विड में जिसका वोलेटाइल करेक्टर ज़्यादा है उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा और जिसका वोलेटाइल करेक्टर कम है उसका मोल फ्रैक्शन घट जाएगा, समझे। तो ए किसका मोल फ्रैक्शन मैंने लिखा सर, आफ्टर अचीविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट ए लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है, राइट, और ए वेपर फेज का है। बट हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, अपना ओरिजिनल सोल्यूशन ये था, ये समझे इस ग्राफ को, ये जो मैं आपको न्यूमेरिकल करवाया था उसके हेल्प से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बन गया कि आइडियल सोल्यूशन में अगर एक आइडियल सोल्यूशन बनाकर आप एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं तो वेपर फेज में हम लोग निकालने के लिए जानते हैं एक्स डैश बी, वेपर फेज में जिसका वोलेटाइल करेक्टर ज़्यादा रहता है वो ओरिजिनल सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में वेपर फेज में उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होता है और जिसका वोलेटाइल करेक्टर कम रहता है उसका ओरिजिनल सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कम रहेगा और इसका उल्टा लिक्विड फेज में रहेगा। अरे ए वेपर में ज़्यादा जा रहा है तो लिक्विड में इसका मोल फ्रैक्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगा ना, जाने का रेट इसका ज़्यादा हो गया। और लास्टली इसको रट जाइए, समझ गए, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो रट जाना है। इक्विलिब्रियम ए अगर पॉइंट है पी, ए पॉइंट है क्यू, ए पॉइंट है आर, तो इक्विलिब्रियम क्या पी और आर के बीच में हुआ, पी एंड क्यू के बीच में हुआ या क्यू एंड आर के बीच में, इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन के बीच में हुआ है, समझे, करेक्ट। और आर यस, तो ए था कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको हार्डली एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसका आने का चांस, तो ये जो न्यूमेरिकल करवाए थे ना ये बस यही आता है, एक्स डैश ए और एक्स डैश बी निकालिए, एक्स डैश ए एंड एक्स डैश बी, बट हो सकता है खुदा ना खासा कभी आ जाए, बट ए मैं आने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जैसे अपना इंटरेस्ट से मैं बताया। चलिए स्टूडेंट, ये मेरा सॉल्यूशन है और मान लेते हैं कि मैं एक सॉल्यूशन बनाया था जिसमें कंपोजिशन ए रखा था और यहाँ पे मैं एक पिस्टन लगा के रखा हूँ, ठीक है ना,
करेक्ट, और यहाँ से पिस्टन को एकदम नीचे ला कर प्रेस करके रखा हूँ, मतलब इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर, इस लिक्विड के अपर सरफेस पे इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिए, इतना प्रेशर इज सो मच हाई कि यहाँ से वेपर बन ही नहीं पा रहा है। वेपर बनने के लिए, वेपर कब बनेगा, जब यहाँ का मॉलिक्यूल्स फ्लाई कर पाएगा, राइट? तो लॉजिकल बात है ना, बिना फ्लाई किए वेपर बनेगा। और अगर आप उसको प्रेशराइज करके, प्रेशर वेरी हाई प्रेशर करके, देखते हैं हम लोग एलपीजी गैस जो यूज़ करते हैं तो उसका नाम ही है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, राइट? इसका मतलब सिलेंडर के अंदर किस फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है, राइट? उसको हिला के देखिएगा लिक्विड है, बट जैसे ही उसको नोब को प्रेस करते हैं तो जैसे ही उसको बाहर का प्रेशर कम नज़र आता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, राइट? इसका मतलब लिक्विड के ऊपर अगर प्रेशर इज सो मच हाई तो क्या वो वेपर में कन्वर्ट हो पाएगा, वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, करेक्ट ना? तो सर अब हम लोग बबल पॉइंट समझने जा रहे हैं, कौन सा पॉइंट, बबल पॉइंट। तो बबल पॉइंट का मतलब था किसी एक लिक्विड, इसको लिखवा दूंगा, किसी एक लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा किए, अब स्लोली धीरे धीरे यहाँ से पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जैसे जैसे पिस्टन को ऊपर लेके जाइएगा, यहाँ पे नॉट ए सिंगल बबल, एक भी बबल नहीं बना है, एक भी वेपर का एक भी बबल्स गुब्बारा नहीं बना है, ठीक है, नॉट ए सिंगल बबल। अब बजाय ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रख रहे थे, अब पिस्टन को स्लोली अगर ऊपर लेके जा रहे हैं तो प्रेशर को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, फास्टली नहीं, स्लोली, और हम लोग ऑब्जर्व करते रहेंगे। और जहाँ पे फर्स्ट बबल बनेगा, जहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट बबल, तो जो फर्स्ट बबल बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रेशर ऑफ बबल पॉइंट, क्या बोलेंगे, प्रेशर ऑफ बबल पॉइंट, करेक्ट ना? और वहाँ पे रुक जाइए, जहाँ पे पहला बबल बना वहाँ पे रुक जाना है, तो जहाँ पे बबल बनना स्टार्ट हो गया तो वहाँ पर रुक जाएंगे, एंड वेटिंग फॉर व्हाट, वेपर प्रेशर, वेटिंग फॉर व्हाट, मतलब इस प्रेशर पे आएंगे तो अब बबल बन सकता है, करेक्ट? तो जहाँ पे पहला बबल बना है तो वहाँ पे दूसरा बबल भी बनेगा, तो वहाँ पे रुक गए और वहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, तब इसका मतलब है कि सर, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे फर्स्ट बबल बनेगा तो वहाँ पे अगर हम लोग रुक जाते हैं तो वहाँ पे और भी बबल बनना स्टार्ट होगा, बट वहाँ पे ही रुके रहिए। और बबल बनते बनते एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे इससे और इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा, राइट? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ देखिए बहुत सारा पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ सुरैया, ध्यान से आप समझिएगा, आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। केशव सेन ज्वाइन किए हुए हैं, देखिए बोलिए ये क्या है सर, दिस इज द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, राइट, क्रॉस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट कंपोजिशन, राइट, इसको फर्स्ट कंपोजिशन बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड कंपोजिशन, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड कंपोजिशन, इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ कंपोजिशन, एंड सो ऑन, राइट? तो एक्चुअल में फर्स्ट कंपोजिशन, क्या हर कंपोजिशन के लिए सेम प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मिलेगा या अलग अलग मिलेगा,
अलग अलग मिलक मिलेगा। तो क्या एक्चुअल में यही रहता है प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑल द टाइम, या ये फर्स्ट बबल का प्रेशर था? दिस इज द लाइन ऑफ बबल पॉइंट राइट। यहाँ से यहाँ तक जो आप ड्रॉ करते हैं ना, वो पहला बबल का था, करेक्ट। वो किसका था? फर्स्ट बबल का। तो एक नया बात सीखे कि ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो सर एग्जाम में तो पूछा जाता है फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो भाई एग्जाम में जब पूछा जाता है प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वो किसके लिए पूछा गया? इसके लिए ना, 0.4 और 0.6 के लिए, करेक्ट। बट 0.4 और 0.6 क्या ऑल द टाइम रहेगा लिक्विड का कंपोजिशन, या उसी टाइम के बाद चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा? चेंज होना स्टार्ट होगा। कब तक सेम रहेगा सर? जब तक बस अब ओशन में से, प्रशांत महासागर में से एक ड्रॉप चला भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। इस लिक्विड में से अगर एक बबल जाएगा तो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा? एक ही तो बबल गया है, तो ये उस टाइम का प्रेशर एक्चुअली देता है। तो सर ये तो क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता है फाइंड द प्रेशर ऑफ बबल, इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा न्यूमेरिकल, तो ध्यान से यहाँ पर सेट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि सर समझ में नहीं आया, तो एक्चुअल में एग्जाम जो दिया जाता है तो उसमें क्वेश्चन में क्रिस्टल के लिए लिखा रहता है फाइंड द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर दिस कंपोजिशन। द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस कंपोजिशन मतलब ये कंपोजिशन अगर रहेगा तो ये कंपोजिशन फॉर ए मोमेंट रहता है, उसके बाद तो ये कंपोजिशन चेंज होना शुरू हो जाता है, राइट, अगर वेट करेंगे तो। तो जो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि पिस्टन को ऊपर लेके जा रहा है, पहला बबल जहाँ बनेगा, तो पहला बबल ही एक्चुअली इसका प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन था, राइट। इसलिए जो ये लाइन ड्रॉ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, वो बबल पॉइंट का प्रेशर था, नहीं? तो क्या हर कंपोजिशन का बबल पॉइंट सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? तो सर हर कंपोजिशन का अलग अलग प्रेशर है, राइट। इसका मतलब हर कंपोजिशन का बबल पॉइंट अलग अलग रहेगा, इज इट क्लियर? और उन सारे बबल पॉइंट का प्रेशर को मिलाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। बट ये स्ट्रेट लाइन उस मोमेंट के लिए रहता है जिस मोमेंट पे मैंने सॉल्यूशन पे एक्सपेरिमेंट शुरू किया इस कंपोजिशन के लिए। उसके बाद जैसे ही एज टाइम पासेस एक कंपोजिशन डिस्टर्ब हो चुका है तो मुझे फिर नहीं देगा, इज इट क्लियर? तो अब किसी को डाउट व्हाट द मीनिंग ऑफ बबल पॉइंट? तो सर फॉर गिवन कंपोजिशन जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिलता है वो एक्चुअल में बबल पॉइंट का प्रेशर रहता है, करेक्ट ना? इसका मतलब है कि जहां पे पहला बबल बना था इस कंपोजिशन के लिए, फर्स्ट बबल, उससे ज्यादा प्रेशर अगर मेंटेन करके रखते हैं, क्या हर कंपोजिशन के लिए बबल पॉइंट का प्रेशर सेम या अलग अलग? हर कंपोजिशन के लिए अलग अलग, राइट। तो एक पार्टिकुलर कंपोजिशन के लिए जो बबल पॉइंट का प्रेशर रहेगा उससे ज़्यादा अगर करते हैं, उससे अगर ज़्यादा मेंटेन करते हैं, क्या बबल बनेगा फॉर ए गिवन कंपोजिशन? नहीं बनेगा। मान लेते हैं कि 2 ATM इस कंपोजिशन के लिए बबल पॉइंट, पहला बबल 2 ATM बना है, इससे ज़्यादा अगर 2.3 भी रखेंगे तो क्या बबल बन पाएगा इस कंपोजिशन के लिए? नहीं बनेगा। सर इससे ज़्यादा कर देंगे? बनेगा, और भी ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा, राइट। तो बबल पॉइंट का डिफिनेशन क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू सर? दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर फॉर गिवन कंपोजिशन फॉर फॉर्मिंग फर्स्ट बबल, राइट। दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर डेवलप ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड फॉर फॉर्मिंग फर्स्ट बबल, करेक्ट ना? फर्स्ट बबल के लिए, तो एक लाइन लिखिए, इसका ग्राफ मैं फिर से ड्रॉ करूंगा। देखिए ऐसे चाहता तो मैं फटाक से इसका ग्राफ ड्रॉ कर देता लेकिन वहां पे आपको समझ में नहीं आता फिर। देखिए सपोज दैट इनिशियली द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज वेरी हाई, ये जो मैं ग्राफ बनाया था ना एक डायग्राम उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। सपोज दैट द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इज वेरी हाई सो दैट नो वेपर एग्जिस्ट एबव द लिक्विड, सो दैट नो वेपर एग्जिस्ट above the liquid. As we gradually decreases the pressure,
एज बी ग्रेजुअली डिक्रीजेज द प्रेशर ए पॉइंट कम्स ए पॉइंट हाँ रिपीट कर रहा हूँ एज बी ग्रेजुअली डिक्रीजेज द प्रेशर एज बी ग्रेजुअली डिक्रीजेज द प्रेशर ए पॉइंट कम्स व्हेन फर्स्ट बबल ऑफ वेपर स्टार्ट फॉर्मिंग ए पॉइंट कम्स व्हेन फर्स्ट बबल ऑफ वेपर स्टार्ट फॉर्मिंग एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड बबल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड इज कॉल्ड बबल पॉइंट। इट मीन्स इफ प्रेशर ग्रेटर देन बबल पॉइंट प्रेशर देन नो वेपर इज फॉर्म्ड फॉर गिवन कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स इफ प्रेशर ग्रेटर देन बबल पॉइंट प्रेशर देन नो वेपर इज फॉर्म फॉर गिवन कंपोजिशन। कॉमा फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन बबल पॉइंट प्रेशर आर डिफरेंट डिफरेंट। फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन बबल पॉइंट प्रेशर आर डिफरेंट डिफरेंट। कॉमा एंड क्रॉस्पॉन्डिंग टू ईच कंपोजिशन तो कितना कंपोजिशन हो सकता है सर इनफाइनाइट राइट हाँ या ना उस हॉरिजॉन्टल लाइन में देखिए तो हाउ मेनी कंपोजिशन कैन बी फॉर्म इनफाइनाइट राइट फॉर एंड क्रॉस्पॉन्डिंग टू ईच कंपोजिशन एंड क्रॉस्पॉन्डिंग टू ईच कंपोजिशन व्हेन वी ऐड बबल पॉइंट प्रेशर स्मूथली देन वी गेट बबल पॉइंट कर्व देन वी गेट बबल पॉइंट कर्व विच इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज तो कौन सा कर्व है स्टूडेंट ए बबल पॉइंट कर्व है राइट और डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन के लिए बबल पॉइंट प्रेशर अलग अलग था जो प्रेशर मिलता है ना प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इसके लिए वो एक्चुअली बबल पॉइंट प्रेशर रहता है। इज इट क्लियर थोड़ा देर के बाद अगर ए बनाकर अगर वेपर में बनना छोड़ बनने के छोड़ दिए और थोड़ा देर के बाद आफ्टर 10 मिनट्स देखिएगा तो क्या सही वैल्यू मिलेगा आपको क्योंकि सर आपने जो ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया था वो डिस्टर्ब हो गया राइट। चलिए तो मुझे लगता है कि आप में से सब लोग एटलीस्ट बबल पॉइंट समझ गए अरे जो स्ट्रेट लाइन था वो बबल पॉइंट का कर्व था राइट जिसको हम लोग प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आज तक जानते थे। तो कल का क्लास मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और कल मैं आपको बताऊँगा सुपर कूल्ड लिक्विड सुपर सैचुरेटेड वेपर एंड ड्यू पॉइंट और उस पर कल एक न्यूमेरिकल करेंगे ठीक है। ओके एवरीवन।